ईयर 2022 का मॉडल गुमला रजिस्टर्ड गाड़ी है, इसका जो डिमांड हम लोग रख रहे हैं 14,85,000। अच्छा 14,85,000 जी। हैरियर? जी हैरियर टॉप मॉडल। तो हेलो हमारे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पर। तो आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जिंदगी में मस्त होंगे। तो थैंक यू दोस्त, आज हम आपके शहर यानी कि झारखंड यानी कि रांची में पहुंच गए हैं। अभी हम जिस जगह खड़ा है ना, वो जो देख सकते हैं कि यहाँ पे रियल वैल्यू यानी कि रियल वैल्यू का जहाँ पे शोरूम है, अभी हम वहाँ पे खड़ा है। तो आपके लिए हम लेकर के आए हुए बहुत ज्यादा डिमांडेड गाड़ी, जो आप लोग मांग करते हैं कि भैया हमको सेकंड हैंड गाड़ी चाहिए, तो सेकंड हैंड गाड़ी आपको हम दिलवाने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेगनार लगा हुआ है, पुरानी मॉडल जो S20 जो आपका स्कॉर्पियो जो होता है, जो भाड़ा चलाने के लिए बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं ना, वो गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है। बगल में यहाँ देख सकते हैं कि एक अर्टिका लगा हुआ है, इधर ब्रेरा लगा हुआ है, इधर में ओमनी लगा हुआ है। उधर में बात करते हैं तो बहुत सारा गाड़ी, जैसे मैं वेगनार हो गया, फिर वेगनार हो गया, फिर इसके बाद जो दूल्हा दुल्हन के लिए जो गाड़ी खोलते हैं ना, तो वहाँ पे स्विफ्ट डिजायर भी जो लगा हुआ है। और एक कोना में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे स्विफ्ट लगा हुआ है। ऐसे में तो गाड़ी आप देख सकते हैं कि बहुत सारा गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ का जो ऑनर है और जो यहाँ का मैनेजर है, जिससे हमको बात होगा, पूरी गाड़ी का जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चैनल पर आप बने रहिएगा, और वीडियो पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे हम वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो भैया आपको मेरे चैनल में स्वागत है, कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ना भैया, सबसे पहले मेरे ऑडियंस को जवाब चाहिए कि अभी हम कौन से जगह पे खड़ा है, आपका जो ब्रांच है ना, कौन सी जगह पे ब्रांच है? ये हमारा देखिए रांची झारखंड में सेकंड ब्रांच है ये। जी सर, ये हमारा सेकंड ब्रांच है रांची झारखंड में, कोकर चौक में। जी सर। अच्छा, जी। कोकर चौक में जी, यानी कि ये जो सामने में जो चौक है ये कोकर चौक है। हाँ, ये कोकर चौक, यानी कि झारखंड में यानी कि रांची शहर में आपको आना है और कोकर चौक में आपको आना है। प्लस में क्या है कि दिए गए नंबर पे आपको कॉल नंबर जो होता है, यहाँ का जो मैनेजर का जो नंबर होगा वो आपको हम स्क्रीन पर दे देंगे, आपको कॉन्टेक्ट करना होगा तो वो नंबर के जरिए कर सकते हैं अगर बुलाते हैं तो। सबसे पहले क्या है दोस्त, देखिए इस चैनल पर जितने भी लोग आपको वीडियो को देखते होंगे, एक चीज आपको ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे हम पुरानी गाड़ी जो वीडियो होता है ना, हर वक्त हम लेकर के आते रहते हैं। आज चलते हैं भैया, हम लोग कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर में आपको हम बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो भैया आज हम लोग डिमांडेड गाड़ी की, आज हम ओमनी से बात करते हैं, कलेक्शन में कौन कौन से गाड़ी आज हम लोग बताइएगा। ये इको है, 2019 का मॉडल है। 19 का मॉडल जी। चलिए इसके बारे में कुछ बताया जाए मेरे ऑडियंस को। रांची नंबर गाड़ी है इको, 53,000 किलोमीटर चला हुआ है और इसका रेट जो रखा हुआ है 4,25,000 रूपए। 4,25,000 जी। यानी कि अभी इसका न्यू प्राइस क्या भैया? न्यू प्राइस थोड़ा 7.5 लाख रूपए। 7.5 लाख जी। यानी कोई बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा अच्छा। हाँ, कमर्शियल गाड़ी में आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेट गाड़ी था। प्राइवेट गाड़ी जी। अच्छा, चलिए देख सकते हैं इनके पास जो डिमांडेड गाड़ी, जो आप लोग को जो बिजनेस करने के लिए परपज में जो गाड़ी खोलते हैं, जो आप लोग खोलते हैं भैया हमको इको चाहिए, तो यहाँ पे इको लगा हुआ है। जैसे मैं आपको जरूर आना है और भैया से जरूर संपर्क करना है, क्योंकि इनके पास सारा गाड़ी है। तो भैया इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं जी, कि अगर इस गाड़ी में जैसे कि कोई डेंट पेंट वगैरह एक्सीडेंटल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, हमारे यहाँ कोई भी तरह का एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं मिलता है जी, और इंजन खुला हुआ गाड़ी नहीं मिलता। अच्छा। इसकी वारंटी रहती है साल भर की। अच्छा, ओनर क्या है भैया, इसके ओनर के बारे में बताया? ओनर फर्स्ट है। फर्स्ट ओनर है जी। कितना आस्किंग प्राइस रखे हुए हैं? आस्किंग 4,25,000। 4,25,000 जी। तो 4,25,000 रूपए लेकर के आना है, गाड़ी लेकर के जाना है। भैया एक चीज आपसे हम बात पूछे, पूरा नहीं मानिएगा जी जी, बोलिए। अच्छा, एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे फाइनेंस फैसिलिटी है कि नहीं आपके पास? जी, फाइनेंस फैसिलिटी है यहाँ पे। कितना लोन करा दीजिएगा इस पर? 30% आप दीजिए, इसका लोन करवा देंगे 30%। हाँ भैया, आपसे कहना चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आएंगे बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत जरूर करेंगे भैया के माध्यम से जो भी आए। चलिए देख सकते हैं भैया का बहुत ऐसा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा, जो भी चैनल को देख करके आएंगे एक बार इससे संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सारी गाड़ी में थोड़ा थोड़ा नॉन स्टेबल बैठने के बाद हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बगल में जो लगा हुआ है अर्टिका, भैया आगे देख सकते हैं? जी सर, ये अर्टिका है 18 का मॉडल। जी सर। और धनबाद का नंबर है? धनबाद नंबर का जी। क्या आपकी प्राइस रखी हुई, डिमांड क्या रखा हुआ इसका? इसका है 6,85। 6,85 जी। गाड़ी किलोमीटर क्या चला हुआ है? किलोमीटर 63,000-64,000 के लगभग होगा। गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है? ओरिजिनल पेंट में, कहीं कहीं पर टचअप किया हुआ है। कहीं कहीं पर टचअप किया हुआ है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं टायर का कंडीशन कितना बढ़िया अच्छा करता है। भैया इस वक्त बात करते हैं तो एसी वगैरह जो भी चीज होता है सारा कुछ वर्किंग है। जी सारा कुछ वर्किंग है। अच्छा हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि आपकी जो रियल वैल्यू जो कंपनी है जी, ये जो है आपकी जितनी भी गाड़ी जो बेचते हैं सभी गाड़ी का मैंने कुछ गारंटी वारंटी प्रोवाइड भी देती है इंजन का? देखिए साल भर का वारंटी इंजन में देते हैं, अगर इस बीच गाड़ी का इंजन में कुछ ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो उसमें लेबर कॉस्टिंग हमारा फ्री रहता है, ठीक है। बाकी जो पार्ट्स का चार्ज लगना है वो लगता है। अच्छा। मतलब जो नई गाड़ी में मिलता है वो हम लोग सेकंड हैंड में दे रहे हैं। अच्छा सेकंड हैंड में दे रहे हैं जी। भैया इसका माइलेज क्या निकालेगा भैया? माइलेज देखिए अब एक्सपेक्ट कर लीजिए आप 18 तक का आपको माइलेज ये देगा। 18 तक माइलेज दे देगा? जी जी जी। गाड़ी वेल मेंटेन में है? वेल मेंटेन है, डीजल में है गाड़ी, स्मार्ट हाइब्रिड है तो 18-20 तक की देता है, लेकिन आप 18 मान के चलिए। 18 जी। चलिए बगल में नेक्स्ट गाड़ी कौन है इसके बारे में कुछ बताया जाए, जो ब्लैक कलर का जो लगा हुआ है? ये ग्रे कलर का है ब्रेजा। जी सर ब्रेजा 17 का मॉडल है ये जी। ये ZDI प्लस है, डीजल में टॉप मॉडल। जी जी सर। क्या डिमांड रखा सर, क्या मांग करते हैं? बोकारो का नंबर है ये, आपको पड़ेगा 6,50,000 रुपए। 6,50,000 जी। 6,50,000 में गाड़ी छोड़ दीजिएगा? छोड़ देंगे। अच्छा हमारे चैनल के माध्यम से इसको भी कुछ मिल जाएगा? थोड़ा बहुत सर, देखिए थोड़ा बहुत सब में ही कर देंगे हम। अच्छा जी। अच्छा इसमें भैया हम बात करें तो गाड़ी में कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं है? कोई एक्सीडेंटल रिकॉर्ड नहीं है, आप जाके आपको आजकल तो इजी जमाना है, अभी आप कहीं भी जाके सर्विस सेंटर में चेक करवा सकते हैं। ओनर फर्स्ट होगा इसका? फर्स्ट ओनर। अधिकतर गाड़ी हमारे यहाँ फर्स्ट ओनर मिलेगी और कुछ कुछ गाड़ियाँ सेकंड ओनर भी मिलेंगी यहाँ पे। तो देख सकते हैं भैया के पास जितना भी गाड़ी आपको मिलेगा रियल वैल्यू में खास करके, तो यहाँ पे सभी गाड़ी जो है फर्स्ट ओनर मिलेगा। जिनको भी लेने का जरूरत पड़े एक बार दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, कॉल करके रियल वैल्यू में आकर इनसे संपर्क करें। अब चलते हैं बगल में, हम लोग नेक्स्ट गाड़ी ये जो लगा हुआ है इस पर हम लोग बात करते हैं। ये क्या डिमांड रखेंगे? ये ग्रैंड आई10 है, 2017 का मॉडल है स्पोर्ट्स, और ये नंबर धनबाद का है। धनबाद नंबर है जी, सिर्फ और सिर्फ धनबाद नंबर दो गाड़ी लगा हुआ है। धनबाद नंबर देखिए हमारे पास ऑल ओवर झारखंड से गाड़ी आती है, बोकारो धनबाद सब जगह से गाड़ी मिलेगा आपको जी, साहिबगंज वगैरह सरायकेला सब गाड़ी का मिलेगा आपको यहाँ पे। क्या डिमांड रखे सर इसका? इसका डिमांड रखे 395। गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है? कहीं कहीं पर टचअप होगा ओरिजिनल पेंट में, बाकी सब सब कंडीशन में। सिर्फ और सिर्फ गाड़ी लेना है, तेल डाल को चलाना है बस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बगल में जो गाड़ी लगा हुआ है हम बात करते हैं किसका क्या डिमांड रखे जो ये ये होंडा सिटी है, होंडा सिटी है ये 2014 का मॉडल डीजल में। अच्छा डीजल में जी। क्या माइलेज निकालता है भैया? माइलेज निकाल देगा ये 12-14 का। किलोमीटर क्या रखे हुए हैं? किलोमीटर इसका है 98,000 चला हुआ है ये। जी तो भैया इसका डिमांड क्या रखे हुए हैं गाड़ी का? इसका डिमांड रखे हैं 4,70,000 रुपए। गाड़ी वेल मेंटेन्ड है, चला हुआ देखिए रहता है गाड़ी, लेकिन उससे मतलब नहीं है। अगर गाड़ी मेंटेन्ड है, मेंटेनेंस प्रॉपर होता है तो गाड़ी कितनों भी चल जाए कोई मतलब नहीं है। अच्छा न्यू प्राइस अभी इसका क्या आएगा भैया? न्यू प्राइस मेरे ख्याल से अभी इसका चल रहा 16-18 लाख रुपए। 16-18 लाख रुपए चलेगा न्यू प्राइस। चलिए बहुत बड़ा अच्छा खासा गाड़ी है, जिसको लेने का जरूरत पड़े एक बार भैया संपर्क करें। अब हम लोग बात करते हैं बगल में जो लगा हुआ है क्या जगन्नाथ, ये वैगनार का स्टिंग रे है। 2014 तक में ये गाड़ी 15 तक में आई थी। हाँ। अभी डिसकंटिन्यू हो गई है। अच्छा। लेकिन ये सेम टू सेम वैगनार ही है, बस थोड़ा बहुत इसका लुक चेंज है और नाम इसका स्टिंग रे था जी। ओनर क्या है इसका? ओनर इसका फर्स्ट या सेकंड होगा, मेरे को देखना पड़ेगा। अच्छा, ये फर्स्ट या सेकंड होगा जी। किलोमीटर क्या चला हुआ है? किलोमीटर 43,000 चला हुआ है। झारखंड नंबर गाड़ी है? हाँ ये हजारीबाग का नंबर है। अच्छा मॉडल 2014 का है, रेट है इसका 2,85,000 रुपए। 2,85,000 रुपए की गाड़ी है, 2,85,000 लेकर कहना है गाड़ी को छोड़ दीजिएगा। छोड़ देंगे बिल्कुल। देखिए सर मेरा थोड़ा ना बता कितना बताइए, पहले पहली चीज रहेगा। आपको लेना सर पर्सनली बात कर लेंगे हम लोग कितना में देंगे, बिल्कुल आपके लिए डिस्काउंट होगा। धारने का मेरे को भी शौक है गाड़ी लेने का, हमको भी शौक है। आप हमको कितना में बेगनर दे दीजिएगा बताइए? आपको सर आप ऑन टेबल नेगोशिएबल कर देंगे, आप बैठिए लेने के लिए आपको जरूर हम अच्छा से अच्छा रेट देंगे। बात ऐसा भैया का कहना है कि आप आइए और बैठ करके टेबल पर बात कीजिए, कुछ न कुछ सभी गाड़ी में डिस्काउंट कर दिया जाएगा। भैया ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है? जी बिल्कुल ओरिजिनल पेंट में है। देखिए हर गाड़ी है भैया कहीं ना कहीं स्क्रैच थोड़ा बहुत लगता ही है, तो हल्का फुल्का टचअप गाड़ी में रहता है। चलिए ये मैं झूठ नहीं बोलने वाली बात है ना। बगल में लगा हुआ है स्कॉर्पियो जो भाड़ा के लिए डिमांडेड गाड़ी होता भैया, आप लोग जो बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं कि नहीं हमको भाड़ा की चलाने के लिए S20 चाहिए, तो गाड़ी हम लेकर के आए हैं। कितना बढ़िया वेल मेंटेन गाड़ी है, अब इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो करने में आपको बताने वाले हैं। चलिए भैया इसके बारे में कुछ हमको बताया जाए मेरे। ये सर है स्कॉर्पियो VLX 2013 मॉडल, इसका आस्किंग हम लोग रखे हैं 6.5 लाख। ऐसी तीन गाड़ियां और थी पिछले महीना से लेके इस मंथ तक में, हमारी सारी गाड़ियां निकल गई, ये एक बचा हुआ है बस, आजकल में इसका भी डील हो जाएगा। अच्छा भैया S20 का भी माइलेज क्या निकलता है? माइलेज सर इसका 16 तक का निकलता है। 16 तक बंद हो गया है? ये बंद हो गया, अब तो S11 आ रहा है। इंजन इसका क्या रहता है? M2DI जैसा दूसरा? M2DI भी आता था उस टाइम में, लेकिन ये M-Hawk इंजन है। M-Hawk इंजन जी। माइलेज अभी क्या निकलेगा? 17-18? नहीं नहीं सर 14-16 का मान के चलिए निकाल देगा। क्या डिमांड रखा सर इसका? इसका डिमांड 6.5 लाख रुपए। ओनर क्या है? ओनर सर इसका सेकंड होना चाहिए। रियल वैल्यू में आपको जो गाड़ी आपको जो मिलेगा ये जो आपको S20 ये आपका सेकंड ओनर गाड़ी है।
डिमांड भैया बता दिए, किलोमीटर भी बता दिए। देखिए आप लोग भाड़ा चलाने के लिए जो गाड़ी खोजते हैं कि हमको भाड़ा चलाने के लिए गाड़ी चाहिए, तो S20 भी गाड़ी यहाँ लगा हुआ है, वेल मेंटेनेंस में है। गाड़ी का कंडीशन दिखाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अच्छा खासा कंडीशन है। अब हम लोग बात करेंगे फिर से आगे में, सबसे पहले कंडीशन दिखाते हैं, कंडीशन गाड़ी को थोड़ा सा दिखा दीजिए। जो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि नहीं हमको कंडीशन वाला गाड़ी चाहिए, वेल मेंटेनेंस में चाहिए। भैया खर्चा वर्चा नहीं ना करना पड़ेगा इस गाड़ी में? नहीं कोई खर्चा नहीं, नॉर्मल सर्विसिंग करके देंगे, नॉर्मल सर्विसिंग हम लोग करके देंगे यहाँ से। अच्छा, और ये गाड़ी देखिए फर्स्ट ओनर है या सेकंड ओनर है ये मेरे को देखना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि बहुत सारा गाड़ी है, तीन हमारा ब्रांच है रांची में। जी जी, तो ये सब गाड़ी का प्रॉपर जानना थोड़ा सा जो है दिक्कत होता है। यानी कि आपके ब्रांच में रांची में तीन को ब्रांच है? हाँ तीन ब्रांच है। अच्छा, तो देख सकते हैं भैया के पास जो क्या है कि रांची में 300 ब्रांच है, रियल वैल्यू के नाम से आपको तीन को मिलेगा। जी, और इनसे संपर्क करना होगा, इनका नंबर जो है ना हम स्क्रीन पर डाल देंगे, इनसे डायरेक्ट आपको बात हो जाएगा, गाड़ी डायरेक्ट इनसे डील कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं बगल में जो गाड़ी लगा हुआ है इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये कौन सा गाड़ी है, कब का गाड़ी है, कितना डिमांड में, कितना डिमांड भैया रखे हुए हैं इस गाड़ी का, इसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताएं। सर ये सिल्वर कलर में है, XUV500 न्यू फेस वाला जो लास्ट में आया था। जी सर। और नंबर है कोडरमा का। जी सर। मॉडल होने वाला 2018 का, चला हुआ है गाड़ी ओनली 60,000 किलोमीटर, सनरूफ वाला गाड़ी है सर ये। और इसका डिमांड हम लोग कर रहे हैं 10,45,000। जी भैया, किस पूछना चाहते हैं कि जो कोडरमा नंबर जो गाड़ी आप हम लोग दे रहे हैं, जी झारखंड में चलने में कोई दिक्कत होगा, पेपर इसका कंप्लीट मिलेगा ना? बिल्कुल पेपर कंप्लीट मिलेगा, इंश्योरेंस यहाँ से फर्स्ट पार्टी आपको करके मिलेगा। जी, और ये जो नंबर झारखंड का कहीं का भी गाड़ी मतलब झारखंड का हम लोग के पास आता है। अच्छा जी, तो भैया कि आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास से जो गाड़ी लेंगे, जितना भी गाड़ी आप हमको दिखा है सभी गाड़ी को मैंने नाम ट्रांसफर करा के जी जी करके देंगे, पेपर कंप्लीट देंगे। लेकिन देखिए पेपर का चार्जेस अलग से लेते हैं हम लोग यहाँ पे ना, इंश्योरेंस अच्छा। हुई और नाम ट्रांसफर हो गया। अच्छा, तो इसका चार्जेस अलग से लेते हैं। हाँ, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो जो डिमांड है, डिमांड पूरा करने के बाद जो भी आपके पेपर में खर्चा होगा भैया से आपके ऊपर संपर्क कीजिएगा, वो आपको मैनेज करके आपको कर लिया जाएगा। तो हम बाद में बात करते हैं इस गाड़ी पर, ये जो अर्टिका लगा हुआ है, अर्टिका कुछ बताया जाए। ये 2017 का मॉडल अर्टिका है, धनबाद का ही नंबर है। जी सर। और इसका रेट हम लोग रखे हैं 6,65,000 रुपए। 6,65,000। जी सर। क्या किलोमीटर चला हुआ है ये? चला हुआ होगा आपका 65,000 से 70,000 किलोमीटर के लगभग में। लगभग एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। जी चलिए, बहुत बढ़िया। ओनर फर्स्ट होगा? ओनर फर्स्ट होगा सर। पेपर कंप्लीट है। बाकी झारखंड में कहीं भी घूमेगा कोई दिक्कत? कहीं भी घूमिए सर, कोई दिक्कत। ऑल इंडिया। ये प्राइवेट गाड़ी थी, स्मार्ट हाइब्रिड डीजल में ये भी है। गाड़ी आप कहीं भी ले जाइए, माइलेज वाले सब कुछ अच्छा है। माइलेज क्या निकालेगा सर इसका? माइलेज सर वही 16 से 18 के बीच में निकाल देगा आराम से। 16 से 18 के बीच में? जी सर। यानी कि जो गाड़ी आता है जो अर्टिका 7 सीटर में गाड़ी आता है ना? 7 सीटर पर। तो 7 सीटर में जिनको गाड़ी चाहिए ना अर्टिका, जो भाड़ा के लिए आप खोजते हैं कि भैया भाड़ा के लिए गाड़ी चाहिए, जो गाड़ी आप लोग खोजते हैं कि हमको भाड़ा चलाने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे अर्टिका भी लगा हुआ है। जिनको लेने का जरूरत पड़े एक बार रियल वैल्यू में आए और सर से संपर्क करें, और सर का जो नंबर हम स्क्रीन पर डाल देंगे, इनसे ज्यादा कॉन्टेक्ट करना है क्योंकि देखिए गाड़ी जो डील करेंगे ये करेंगे, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं बगल में ये जो गाड़ी लगा हुआ है, सारी गाड़ी मैंने ओरिजिनल पेट में है, हल्का फुल्का टचअप सभी गाड़ी में मिलेगा। अब हम लोग इस पर बात करते हैं बगल में, क्या अंग्रेजा है भैया? ये सर क्रेटा है। क्रेटा, चलिए क्रेटा के बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताया जाए कि इसका क्या डिमांड रखे हैं। सर ये क्रेटा है, 2017 का मॉडल है। जी सर। इसका हम लोग जो डिमांड रखे हुए हैं 7,65,000 रुपए। डीजल में है ये गाड़ी और बिल्कुल फाइन गाड़ी है। हल्का फुल्का टचअप होगा तो होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये गाड़ी बेस मॉडल है, लेकिन 7,35,000 में गाड़ी छोड़ दीजिएगा। 7,65,000 रुपए। 7,65,000। 7,65,000 में गाड़ी को छोड़ देंगे। अभी इसका जो ये जो माइलेज इसका क्या निकालेगा भैया? माइलेज सर देखिए डीजल में है तो सर मान के चलिए कि 15 से 17 के बीच में निकालेगा। ये 15 से 17 के बीच में निकाल देगा। यानी एसी चला करके? अरे एसी चला के सर देखिए, अब तो सब गाड़ी टेस्टेड मैं नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ 14 तक में एसी चला के निकाल देगा। 14-15 गाड़ी में कोई खर्चा वर्चा नहीं है? कोई खर्चा नहीं सर, नॉर्मल सर्विसिंग करके देंगे हम लोग। गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है ना? गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है बिल्कुल। गाड़ी में कुछ ले जाने के बाद कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा? कोई खर्चा नहीं सर। देखिए सामने जो लगा हुआ है क्रेटा। जी क्रेटा जो है इसमें कोई खर्चा नहीं है, आप आइए अपने मिस्त्री को भी ला करके चेक करा सकते हैं। बिल्कुल सर, करा सकते हैं। टेस्ट ड्राइव वगैरह हमारा सुजुकी का खुद वर्कशॉप है, आप चाहे तो वहाँ पे भी ले जाकर इंस्पेक्शन करा सकते हैं। हम लोग एक्सपर्ट्स की निगरानी पे ही गाड़ियाँ उठाते हैं। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछते हैं भैया, नहीं आप मानिए? नहीं सर बोलिए। गाड़ी में अगर कोई भी मेरे अगर ला करके अगर ऑडियंस निकालते हैं कि इस गाड़ी में चीज का कमी है तो आप करा के दीजिएगा ना? क्या करा के सर? अगर कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा स्क्रेच है, बात मान लेते हैं, जी जी जी, तो कराने के लिए पूरा आप करा सकते हैं ना? जी सर, बॉडी वर्क जो भी होगा हम करवा देंगे, इंक्लूड रहेगा इसी पैसे में जो हम ले रहे हैं। लेकिन इंजन वर्क कुछ होगा, अगर उसमें आप बोलेंगे मोबिल पल्टी करना है, कूलेंट पल्टी करना है, तो पल्टी करने का चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन मटेरियल का कॉस्ट लगेगा। मटेरियल का जो भी लेबर कॉस्टिंग नहीं लगेगा। जी बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं फिर से ओमनी, जो आप लोग बात करते हैं ओमनी के लिए ना, हम ओमनी लेकर के आए हुए हैं, जो आप लोग को बहुत ज्यादा डिमांड आता है कि भैया हमको ओमनी दिखाइए, तो आज हम सिल्वर कलर में ओमनी लेकर के आ चुके हैं, जो ब्लैक कलर में है।
सॉरी, इसके बारे में कुछ मेरे ऑडियंस को बताइए भैया, क्या डिमांड इसका रखे हुए हैं? सर ये इको है 2022 का मॉडल विथ एसी गाड़ी है, इसमें एसी है गाड़ी में, और इसका आस्किंग हम लोग कर रहे हैं 4,90,000 रुपए की। 4,90,000। न्यू प्राइस क्या है सर इसका? 7,500-8,000 के बीच में होगा सर, एसी वाले का। पेपर सारा कंप्लीट होता है, सारा कंप्लीट मिलेगा जी जी। इसका माइलेज क्या निकलता है? माइलेज सर इसका निकालेगा 16-17 का माइलेज निकालता है। गाड़ी कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं? कोई एक्सीडेंटल गाड़ी हम लोग नहीं उठाते हैं, चेक करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, हल्का भी एक्सीडेंट रहता है हम लोग गाड़ी उठाते ही नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इको लगा हुआ है, वेल मेंटेन इको यहाँ पे लगा हुआ है, और गाड़ी का कंडीशन बहुत अच्छा खासा है। जिनको भी इसको लेने का जरूरत पड़े एक बार हमारे रियल वैल्यू में आकर के संपर्क करें, और साथ में भैया से ज्यादा संपर्क करें, क्योंकि देखिए इनके पास क्या है ना कि बैठने उठने के पास कुछ नॉलेजेबल भी आपको हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बगल में जो गाड़ी लगा हुआ है, यहाँ तो बात करते हैं सर, इससे क्या डिमांड रखे हैं, कौन सा गाड़ी आपको मेरे ऑडियंस सर? ये 2000 गाड़ी है ये जी सर। इसका आस्किंग हम लोग रखे हैं 13,50,000 रुपए। 13,50,000 चली हुई है मात्र 4,200-4,300 किलोमीटर। अच्छा। एकदम न्यू गाड़ी है, न्यू गाड़ी है। एकदम न्यू, यानी कि क्या लगा सर इसका माइलेज? सर इसका आराम से 16 का निकाल देगा। 16 का निकाल देगा, तो देख सकते हैं गाड़ी है, ओरिजिनल पेंट बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए आप स्टिकर भी नहीं उखड़ा है। अच्छा, यहाँ तक देखिए कि स्टिकर भी जो है यहाँ तक कुछ नहीं कबड़ा हुआ है। जिनको अगर गाड़ी लेने का जरूरत पड़े भैया से जरूर संपर्क करें। गाड़ी का जो पूरा फुल लोकेशन है इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं कि गाड़ी में कहीं भी खर्चा नहीं है। झारखंड नंबर भैया? ये झारखंड धनबाद का नंबर। अच्छा, झारखंड यानी धनबाद का नंबर जी जी। तो देख सकते हैं गाड़ी में कोई दिक्कत पता नहीं है, ये पर सर से संपर्क करें, बहुत बढ़िया वेल मेंटेनेंस गाड़ी आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बगल में ये जो लगा हुआ है, इस पर हम लोग बात करते हैं वो वैगन आर भैया जी। सर वैगन आर है, आइए हम लोग वैगन आर से बात करते हैं। वैगन आर का क्या डिमांड रखे हैं, कौन सा गाड़ी है, कितना गाड़ी है, ये सर ये वैगन आर VXi है, 2019 का मॉडल, रांची रजिस्टर्ड गाड़ी है जी। इसका हम लोग रेट रखे हैं 5,25,000 रुपए। 5,25,000 जी सर, बहुत बढ़िया। ओके है, चलिए बगल हम लोग एक पर बात करते हैं, कौन सा गाड़ी है? ये वरना है सर, वरना डीजल में 2013 का मॉडल, रांची नंबर है। क्या क्या डिमांड रखे सर इसका? इसका डिमांड रखे 4,65,000 रुपए। 4,65,000, बस गाड़ी में सनरूफ की कमी है और कुछ नहीं है गाड़ी में। गाड़ी माइलेज देगा सर? सर माइलेज आराम से आपको 16 का निकाल के देगा। ओनर फर्स्ट है सर, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा है। कितना प्राइस में छोड़ देगा? 4,65 सर। 4,65 जी। बगल में जो लगा हुआ है नेक्स्ट, ये वैगन आर सर ZXi है, टॉप मॉडल। इसमें आपको बहुत सारी चीज मिलता है जो VXi में नहीं मिलता है जी। और ये रांची रजिस्टर्ड गाड़ी है, 20 का मॉडल है। इसका आस्किंग हम लोग कर रहे हैं 5,85,000 रुपए। 5,85,000 जी। अब बगल में हम बात करते हैं स्वीट पर, जो बार बार स्वीट को मांगते हैं, स्विफ्ट डिजायर जी सर, डिजायर और डीजल में, बहुत रेयर गाड़ी। अच्छा, डीजल में जी सर, देख सकते हैं हम डीजल में गाड़ी लेकर के आए हुए हैं। जो डिजायर आप लोग मांग करते हैं, कितना मॉडल अभी आई? 18 मॉडल है। 18 मॉडल जी। 18 मॉडल डिजायर खोलते हैं कि दूल्हा दुल्हन के लिए गाड़ी हमको चाहिए, तो यहाँ पे लगा हुआ ओरिजिनल पेंट मैंने भैया गाड़ी, बिल्कुल ओरिजिनल पेंट में। क्या क्या इसका प्राइस रखे हुए हैं? 5,85,000। 5,85,000, क्योंकि सर देखिए डीजल बंद हो चुका है, डीजल गाड़ी मिलना रेयर है। अब जिनको डील क्रैक करना है तो वो डील क्रैक करेगा ही करेगा जी। और इस पर एक चीज हम बात कर रहे हैं, गाड़ी का ओनर जो होगा फर्स्ट होगा, ओनर फर्स्ट है। अच्छा जी, तो देख सकते हैं भैया के पास क्या है कि जितना भी गाड़ी आपको दिखाएं सभी गाड़ी यानी कि फर्स्ट ओनर दिखा है। अब हम लोग बात करते हैं सामने से, यानी कि भैया से, कि यहाँ पे जो प्रॉपर जो एड्रेस है, एड्रेस के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब भैया से आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये बताइए, थोड़ा सा अंदर में तो गाड़ी थार वगैरह जो लगाए हुए हैं जी जी, तो थार का कुछ क्या प्राइस वगैरह है? थार का प्राइस सर 13,50,000 रुपए। 13,50,000। अच्छा, अल्टो 800 और अल्टो K10 है हमारे पास। अच्छा, दो गाड़ी, इसके बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए सर। ये अल्टो 800 है सर जी, 2016 का मॉडल है, रांची रजिस्टर्ड गाड़ी है जी। इसका रेट पड़ने वाला आपको 2,75,000 रुपए। 2,75,000 जी, बिल्कुल। 2,75,000 यानी कि सबसे कम प्राइस में गाड़ी आपको दिया जाएगा 2,75,000 रुपए में अल्टो। ये समझ लीजिए हमारे यहाँ स्टार्टिंग प्राइस है 2,75,000 रुपए। अच्छा, बगल में दो गाड़ी एक और लगा हुआ है। ये सर अल्टो K10 है, 2019 का मॉडल है, सिल्वर कलर में है और ग्रीडी का नंबर है ये जी सर। इसका डिमांड है 3,85,000। ओनर फर्स्ट है सर। माइलेज क्या निकालेगा? माइलेज सर बिल्कुल 18-20 के बीच में निकाल देगा जी जी जी, निकाल बिल्कुल निकालेगा। पेपर कंप्लीट है? पेपर सारा कंप्लीट है। क्या प्राइस रखा सर? 3,85,000। 3,85,000 छोड़ देंगे। कुछ नॉनेगोशिएबल? नेगोशिएबल सर देखिए, वैलिड कस्टमर आएंगे हमारे यहाँ जो इंटरेस्टेड होंगे, बिल्कुल उनके लिए थोड़ा बहुत नेगोशिएट करेंगे। चलिए देख सकते हैं भैया के पास बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है, और जिनको गाड़ी लेने का जरूरत पड़े एक बार इनसे संपर्क करें। बात करते हैं सामने से एक बार, आओ। 2022 का मॉडल, गुमला रजिस्टर्ड गाड़ी है। इसका जो डिमांड हम लोग रख रहे हैं 14,85,000। 14,85,000 जी। हैरियर जी, हैरियर टॉप मॉडल, बहुत ज्यादा टॉप मॉडल हैरियर पूछते हैं ना, तो हम आज हैरियर भी लेकर के आए हैं।
जिसका प्राइस जो भैया बताया 14 लाख 85,000 देख सकते हैं गाड़ी वेल मेंटेन है, रियल वैल्यू में गाड़ी लगा हुआ है। जिनको लेने का जरूरत पड़े एक बार दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झारखंड में यानी कि रांची में आपको आना पड़ेगा और आकर के भैया से संपर्क करना पड़ेगा। भैया इसका ऑनर फर्स्ट होगा जी? बिल्कुल सर, फर्स्ट होगा। माइलेज क्या निकालेगा सर? माइलेज सर 14 तक का निकाल देगा ये। पेपर कंप्लीट है? पेपर सारा गाड़ी का कंप्लीट मिलेगा सर, किसी में कोई लिटिगेशन नहीं मिलेगा। S11 है सर। क्या डिमांड रखा सर? S11 डिमांड रखे 2020 का ये मॉडल S11 है। इसका डिमांड हम लोग रखे 14 लाख रुपए। 14 लाख जी सर। कब का गाड़ी है? 20 का। किलोमीटर क्या चला? 43,000 किलोमीटर। पेपर कंप्लीट है? पेपर सारा गाड़ी कंप्लीट मिलेगा सर। झारखंड नंबर गाड़ी है? बिल्कुल सर, झारखंड नंबर आपका ये JH15 पड़ता है आपका देवघर। अच्छा, देवघर नंबर जी। यहाँ पे देख सकते हैं देवघर, देवघर का ये गाड़ी लगा हुआ है जो पुरानी गाड़ी है। जो आप लोग सेकंड हैंड गाड़ी का डिमांड करते हैं ना कि हमको भैया स्कॉर्पियो चाहिए तो हम स्कॉर्पियो आपके लिए लेकर क्या है। भैया ये ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है? बिल्कुल ओरिजिनल पेंट में सर। देख रहे हैं 43,000 में सर क्या ही होगा सर गाड़ी में। चलिए बहुत बढ़िया अच्छा खासा गाड़ी है। अब हम लोग बात करते हैं बगल में एक गाड़ी लगा हुआ है, बात करते हैं। XUV 500 है ये जी। ये भी नया फेस जो लास्ट आया था वही गाड़ी है, 2020 का ये मॉडल है और साहिबगंज का नंबर है 18 जी। इसका रेट हम लोग रखे 12,45,000। ओनर क्या है सर? ओनर फर्स्ट है सर। पेपर कंप्लीट? पेपर सारा कंप्लीट। नाम ट्रांसफर के साथ दीजिएगा गाड़ी? ट्रांसफर के साथ देंगे लेकिन जो चार्जेस लगेगा सर वो इंक्लूड नहीं है इसमें, वो अलग से लेंगे हम। अच्छा, इसको लोन कितना करा दीजिएगा? लोन सर आप 30% पेमेंट कर दीजिए, बाकी आप लोन करवा लीजिए। 30% डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा, बाकी लोन कराना पड़ेगा जी सर। चलिए बहुत बढ़िया चक्का सा गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है, ओरिजिनल कोई एक्सीडेंटल नहीं है, कोई एक्सीडेंटल कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं आने के बाद तो फ्रॉड देने के। देखिए सर, एक आध गाड़ी के चलते फ्रॉड करके सर एक कस्टमर खराब करके हम अपना मार्केट वैल्यू नहीं गिराना चाहते हैं। तो देख सकते हैं भैया के पास जितना भी गाड़ी है विश्वास पर गाड़ी है यानी ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है। आप खोप करके पिक करके देख सकते हैं, कहीं से भी आपको कोई स्लिप भी हल्का फुल्का रहता है। देखिए पुरानी गाड़ी में आपको माइनस का मिल करेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए क्या है कि आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, न्यू शोरूम तो शोरूम से तो नहीं ले रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे फिर से अगले गाड़ी पर, जो नेक्स्ट गाड़ी यहाँ पे जो लगा हुआ है ब्लू कलर में, ये कौन सा गाड़ी है इसके बारे में कुछ डिमांड बताएंगे। कैमरा मैन थोड़ा सा गाड़ी को घुमा करके सारा चीज दिखाया जाए। अब इसका क्या डिमांड है सर इसके बारे में? ये है सर S-Cross जी सर, बोकारो नंबर 2018 का गाड़ी है, VIP नंबर लगा हुआ 9999। अच्छा 9999 जी, ये तो मंत्री जी लगा सकते हैं, हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री जी जी सर, 9999। क्या डिमांड रखे सर इसका? 7,15,000। 7,15,000। देखिए रांची से बार बार नंबर का जो है ना डिमांड बहुत है, नंबर पे ये लोग कितना पैसा खर्च कर देते हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग नंबर का इसमें कुछ इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, VIP नंबर है तो है लेकिन गाड़ी का जो रेट है वो ओरिजिनल है सर। अच्छा, इसका न्यू प्राइस क्या है? न्यू प्राइस ये अभी डिसकंटिन्यू हो गया है गाड़ी, लेकिन जब ये सीटर कौन है? 5 सीटर सर। 5 सीटर जी। माइलेज क्या निकालेगा सर? माइलेज सर ये भी 16 से 18 के बीच में आराम से निकाल देगा। ओनर? ओनर फर्स्ट है। किलोमीटर? किलोमीटर सर ये चला हुआ 60 के ऊपर चला हुआ है। 60 के जी। क्या इसके प्राइस है सर? 7,15,000। 7,15,000 नेगोशिएबल थोड़ा बहुत सर, देखिए ऑन टेबल तो होगा ही। ऑन टेबल जी, बैठने के बाद? बैठने के बाद फाइनलाइज करेंगे तभी होगा। गाड़ी ओरिजिनल पेंट है ना जी। चलिए अब देखिए, बहुत सारे यूट्यूब से फोन करते हैं, बोलते हैं ये गाड़ी कितना पड़ जाएगा, वो गाड़ी कितना पड़ जाएगा। सर तो ये चीज ना किया कीजिए, आपको अगर लेना तो प्रॉपर वे में यहाँ पे आइए और यहाँ पे डील कीजिए, ब्रांच पे आकर के बात जी। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, फोन से बात मत कीजिए। अच्छा, फोन से बात करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट आइए, गाड़ी पसंद पड़ता है भैया जी आप संपर्क कीजिए हमको कि यहाँ पे क्या रेट है। जी सर, ये ब्रेजा 19 का मॉडल है। अच्छा, 19 का मॉडल है। डुअल टोन में गाड़ी है, ब्लैक एंड रेड में, ZDI प्लस टॉप मॉडल डीजल में है ये। इसका रेट है सर 6,65,000 रुपए। 6,65,000 जी। ओरिजिनल पेंट में गाड़ी? ओरिजिनल पेंट में। किलोमीटर क्या चला हुआ सर? किलोमीटर ये चला हुआ सर 66,000 किलोमीटर। 66,000 जी। मक्खन है सर गाड़ी, मक्खन ही है। माइलेज क्या निकालेगा सर? माइलेज सर यही S-Cross के बराबर का निकालेगा, 16 से 18। ये भी डीजल में है सर, तो आपको इतना निकालेगा ही। अब बगल में बात करते हैं जो लगा हमारा बलेनो। बलेनो नहीं है सर, ये टोयोटा का ग्लांजा है। टोयोटा का ग्लांजा है, क्योंकि कंपनी अभी जो है कोलाब करके गाड़ी बना रही है टोयोटा और मारुति मिलकर के, तो ये गाड़ी आपस में जो है कभी ये बना रहा कभी वो बना रहा है। क्या डिमांड रखे सर इसका? इसका सर 6,25,000। 19 का ये मॉडल है, टॉप मॉडल ग्लांजा V है और चला हुआ मात्र 20,000 किलोमीटर। 20,000 किलोमीटर वेल मेंटेन है, वेल मेंटेन। गाड़ी में कोई खर्चा नहीं है? कोई खर्चा नहीं है, और जो हल्का फुल्का स्क्रैच वगैरह जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, ये हम करके देंगे आपको। जी जी, जी। चलिए बगल में जो गाड़ी लगा हुआ इस पर हम लोग बात करते हैं। ये सर क्रेटा 16 का मॉडल टॉप मॉडल है जी, ये टॉप मॉडल SX है और डीजल में है। इसका भी आस्किंग जो है हमारा 7,65,000 रुपए है जी सर। बगल में जो लगा हुआ स्विफ्ट? बगल में ये स्विफ्ट है, डीजल में है, रांची नंबर गाड़ी है, डीजल में स्विफ्ट है। बहुत लोग खोजते हैं डीजल में, अब जो कि डिसकंटिन्यू हो गया 20 के बाद, ये गाड़ी आपको मिल जाएगा 4,65,000 रुपए। 4,65,000 जी सर। क्या माइलेज निकालेगा सर? माइलेज सर 20 तक का आराम से निकाल देगा, ओनर फर्स्ट सर। अच्छा, ये
ओरिजिनल पेंट में सर कहीं कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का टचअप होगा। दिखाने वाले हैं डिमांडेड गाड़ी जो आप लोग कभी देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, ये चला कर भी देखे होंगे जो गाड़ी को दिखाए थे वो भी चीज आपको हम दिखाने वाले हैं। और इसका डिमांड बताने वाले हैं कि क्या डिमांड रखे हैं और गाड़ी कौन सा गाड़ी हमको खुद पता नहीं चल रहा है कौन सा गाड़ी, क्योंकि सर ये मोरिस गराज एमजी का ये कॉमेट है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ये जी। ठीक है, और इसमें चार लोग आराम से बैठ सकते हैं, दो दरवाजा इस गाड़ी में है और एक चार्ज पे ये 200 किलोमीटर चलती है गाड़ी। अच्छा। और ये ऑटोमेटिक में है। ऑटोमेटिक यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम है क्या? इलेक्ट्रिकल सिस्टम है सर। अच्छा, बैटरी से गाड़ी चलेगा? हाँ, बैटरी से चलेगा। कंपनी इसका प्रोवाइड कर होगा बैटरी के ना? जी सर, कंपनी से सारा प्रोवाइड होता है। अच्छा, इसका डिमांड क्या रखें सर? 8.5 लाख रुपए सेल में है? सेल में। बेच दीजिएगा? बिल्कुल बेचेंगे सर। हम ले लेंगे तो कितना दे दीजिएगा? आप बैठिए, ऑन टेबल नेगोशिएबल कीजिए। फिर पेपर इसका कंप्लीट होगा कि पेपर? सारा पेपर सर हमारे यहाँ किसी भी गाड़ी का, कोई से पुराना गाड़ी का भी पेपर कंप्लीट ही रहेगा। नंबर भी देख सकते हैं? वीआईपी नंबर है सर। वीआईपी नंबर इसमें क्या चार्ज करना और चलाना है? सीटर क्या है? चार सीटर गाड़ी है। चार सीटर गाड़ी जी। इसका अंदर का जो लुक है ना सर, मेरे ऑडियंस को दिखाया जाता है। आइए सर, गाड़ी में सर बहुत सारा फीचर्स है, बड़ा सा आपको टच स्क्रीन वगैरह सब कुछ मिलता है गाड़ी में, एसी मिल जाता है आपको, यूएसबी पोर्ट वगैरह सब कुछ मिलता है। अच्छा। उसका गियर भी बहुत यूनिक है, रेंज रोवर में ऐसा गियर मिलता है आपको देखने के लिए, नॉब वाला। अच्छा, वो गियर यानी कि? वो गियर है सर, एक ही दो गियर हुआ ना सर। इसमें देखिए तीन मोड है, रिवर्स का है, न्यूट्रल का है और ड्राइव मोड है। अच्छा। ड्राइव मोड में डालिए गाड़ी चलेगी आपकी, कुछ नहीं करना, क्लच नहीं रखा है इसमें। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक और एस्केलेटर। जी सर, चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा गाड़ी है। गाड़ी पे क्या डिमांड रखे सर? 8.5 लाख रुपए न्यू प्राइस क्या है? न्यू प्राइस सर अभी मार्केट में 12.5 लाख रुपए 12.5 लाख रुपए जी जी 12.5 लाख रुपए की गाड़ी आप हमको कितना दे दीजिएगा? 8.5 लाख रुपए 8.5 लाख रुपए में। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा गाड़ी है। सर थार ये 2021 का मॉडल है जी सर, और चला हुआ है ओनली 14,000 किलोमीटर ऑटोमेटिक में है गाड़ी, 4x4 है, ओरिजिनल 4x4 है जी। और इसका डिमांड जो हम लोग रखे 13,50,000 रुपए 13,50,000 जी सर। न्यू प्राइस क्या सर? न्यू प्राइस अभी इसका 18 लाख के लगभग पड़ रहा है। 18 लाख जी सर। और ये सॉफ्ट टॉप थार है, बहुत रेयर गाड़ी हो गई है, ये सॉफ्ट टॉप आपको अभी नहीं मिलेगा मार्केट में। अच्छा, ये हमारे पास खड़ी है। ये गाड़ी का फर्स्ट ओनर होगा सर? फर्स्ट ओनर बिल्कुल, ओरिजिनल पेंट बिल्कुल। क्या डिमांड रखे सर? 13,50,000 13,50,000 में नाम ट्रांसफर कर दीजिएगा। नाम ट्रांसफर से देखिए उसका चार्जेस अलग से है जी, बाकी आप आके यहाँ पे बात कीजिए, जो भी हमसे हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा सर आपको हम नेगोशिएट करेंगे। गाड़ी कब का सर? ये सर 21 का है। 21 का गाड़ी जी। तो 21 का गाड़ी जो आपको हम थार दिखाए हैं सामने से, ये देख सकते हैं वेल मेंटेन, क्या क्या थार मिलेगा जरूर पड़े। एक बार हमारे बताने वाले आप सभी लोग ने देखा कि अभी हम पूरी गाड़ी का जानकारी का यानी लेकर के आपको हम बताएं, और जैसे मैं भैया साहब को मिलवाएं, आप पूरी गाड़ी का कंडीशन से लेकर के कब का गाड़ी है ये सारा जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलती है। तो एक चीज आप पूछेंगे कि कौन सी जगह पे आना है, ठीक है? तो अब हम भैया से इनके माध्यम से जानना चाहते हैं कि कौन सी जगह इनका ब्रांच है और इनका ब्रांच का क्या नाम पड़ता है, ये चीज हमारे भैया बताएंगे जो हमारे बड़े भैया है। बताइए भैया। सर ये देखिए कोकर एरिया पड़ता है रांची में जी। कोई भी आप ऑटो वाला को रिक्शा वाला को बोलेगा कोकर जाना है, वो आपको यहाँ पे लाके पहुँचा देगा, ला करके पहुँचा जी। ये हमारा सेकंड ब्रांच है, देखिए पहला ब्रांच है हमारा इससे 500 मीटर पहले। अच्छा। उसको ऑटो मार्ट बोलते हैं, पोदार मोटर ऑटो मार्ट रियल वैली। अच्छा, रियल वैली। हाँ, और ये सेकंड है हमारा पोदार मोटर ऑटो, ये है, ये इसका कहलाता तिरुपति, तिरुपति सेकंड ब्रांच। अच्छा। और थर्ड ब्रांच जो हमारा है बीआईटी में, वो बीआईटी ब्रांच बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम तिरुपति में खड़ा है, तिरुपति में खड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रियल वैली यानी कि तिरुपति जो होता है उस कंपनी में, यानी कि रियल वैली के अभी हम खड़ा है जो आपका ब्रांच है। अब भैया का नाम है कि आप कोकर शॉप आ करके अब दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, कॉल करने के बाद एक बार जरूर बोले कि भैया आपके हमको शोरूम में आना है, ब्रांच में आना है, तो भैया आपको खाने के लिए तैयार है। जी सर बिल्कुल। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में
कभी ऐसा नया कलेक्शन आएगा तो हम लेकर के आएंगे। अच्छा भैया, कभी एक चैनल है, चैनल को करना है, क्योंकि इनका क्या चैनल भैया, थोड़ा नाम बताया जाए। डर्बन पिस्टन मेरा चैनल है, हर एक प्रॉपर एक एक गाड़ी का मैं यहाँ पे वीडियो बना कर डाल देता हूँ प्राइस के साथ। अगर आपको देखना है तो आप जरूर मेरे चैनल पे विजिट करें और मुझे भी सपोर्ट करें। अच्छा, तो भैया कभी सपोर्ट करें, साथ साथ इस चैनल को जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे रांची से हम रिलेटेड अब वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। जो पुरानी गाड़ी को जो डिमांड करते हैं ना कि भैया हमको पुरानी गाड़ी देखना है, तो हम लेकर के आते रहते हैं। चलते हैं, हम लोग वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।